ये युवक कलाकार जो यहाँ सीख रहे हैं, ये कल के हमारे सुपरस्टार्स हैं, कल के हमारे शोमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एडिटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये हसीन दिन देखने को मिल रहा है जब फिल्मों का कंप्लीशन हुआ है 100 वर्ष, और मैं चाहता हूँ ये हजारों वर्ष और चले, बिकॉज ये सिनेमा वही मनोरंजन की जगह है जिसने हमारे हजारों कलाकारों को, टेक्नीशियंस को रोजी रोटी दी है। और मैं चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़े और ज्यादा अच्छी फिल्में तस्वीरें बनाएं। और जिस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स का उनका इश्तियाक, उनका एंथुजियाज्म, उनकी स्पिरिट्स देखते हैं, वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। और ये लगता है कि ये सिनेमा की जो पहली सेंचुरी है, ये सिर्फ एक ही कदम है, इसके आगे तो और बढ़ने वाला कई सेंचुरीज में। और ये हर आदमी को इजहार का एक रास्ता मिल गया है, एक नई लैंग्वेज मिल गई है, एक नई जबान है, जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स सुनते हैं और जिस तरह से वो देख रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं। ये पूरी एग्जीबिशन देखने से मालूम होता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। वो इतनी सतही नहीं है, इतनी सरफेशियल नहीं है, जितनी के अक्सर आज की फिल्में देख के महसूस होता है कि शायद उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये तमाम एग्जीबिशन देखने के बाद मालूम होता है कि इस इंस्टीट्यूट से लड़के निकले हुए लड़के ज़िंदगी महसूस करते हैं, ज़िंदगी को जानते हैं और वो ज़िंदगी का इजहार करें। आई डोंट थिंक इसका कोई रूल है, एंड आई नो आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम दोनों काइंड ऑफ फिल्मी फैमिली से आते हैं, लेकिन आई थिंक द सिचुएशन इज द सेम। आज प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स किसी एक्टर को लेंगे नॉट बिकॉज ऑफ देयर ब्लड रिलेशन बट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। अर्जुन आपने क्या कर रहा सॉरी बाकी नथिंग एल्स मैटर्स इवेंचुअली आपका सर नहीं क्या है आपका आयो का जाओगे नॉट गुड ऑडियंस इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट वो समझ आती है वो परख लेती है कि अगर वो तुम्हें देखना चाहती है नहीं देखना चाहती तो बाहर से भी जो आई थिंक रणवीर इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट समथिंग लाइक हिम ही केम आउट ऑफ नोवेयर एंड ब्लू एवरीबॉडी अवे इट्स जस्ट शोस आवर ऑडियंस शोस सी गुड फिल्म्स एंड गुड वर्क हैपेंस और कुछ